पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान दो समुदायों के बीच बहस हुई, जिसके बाद पथराव और आगजनी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी फायरिंग की और पत्थरबाजी भी की। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी, लिहाजा पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। डिजिटल एविडेंसेस इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद जहांगीरपुरी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आज जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची, तो उस पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। हनुमान जयंती से पहले रामनवमी के मौके पर भी देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली थी। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों और बीजेपी के बीच लेटर वॉर छिड़ गया है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं में सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन और हेमंत सोरेन जैसे नेता शामिल हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि PM समाज को भड़काने वाले लोगों के खिलाफ बोलने में नाकाम रहे हैं और त्योहारों का इस्तेमाल समाज में ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने भी एक चिट्ठी लिख डाली है। नड्डा का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में दंगों की लंबी लिस्ट है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि वो करौली हिंसा पर चुप क्यों है। BJP, विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। विपक्षी पार्टियों ने एक अपील जारी करी थी, जिसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि खोटी अपील, खोटी नियत, खोटी कांग्रेस और खोटा विपक्ष। आप करौली राजस्थान पे चुप्पी क्यों साधे हैं? कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोगों को असली मुद्दों से भटकाना चाहती है और उसके पीछे कहीं ना कहीं BJP का हाथ भी है। हम हमारे देश में पूरे हर्षोल्लास से रामनवमी भी मनाते रहे, हनुमान जयंती भी मनाते रहे, ईद के भी कार्यक्रम, रमजान के रोजे के भी कार्यक्रम होते रहे। ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इसका कारण देश को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारें जो देश में बैठी हुई है वो चाहती है कि वातावरण इस तरह का हो ताकि लोग असली मुद्दों से भटके हुए रहे। BJP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार किया गया एक आरोपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी BJP को दंगे रोकने की नसीहत दे रही है। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। जो BJP है, ये पुलिस उसके अंडर में आती है। BJP को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए, उनको दंगों को रोकना चाहिए। दंगे करवाने वाले खुद हैं और दंगों के बारे में बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। सवाल ये है कि देश में त्योहारों के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा के मामले अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और कुछ लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं?